हेलो, आई एम डॉक्टर रत्नारक्षित इंगोले। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एट तुलस हेल्थ केयर। आज मैं आपको एक कंडीशन जिसको हम लोग पैरानोइया के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। पैरानोइया जो है ये टर्म यूजुअली उन कंडीशन में यूज़ की जाती है जिसमें जो व्यक्ति है वो इस तरह से बिलीव करने लग जाता है कि जो लोग है वो किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, या वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ परसिक्यूशन है। तो इसमें जो व्यक्ति है उसको ये लग सकता है कि जो कुछ एक व्यक्ति है या कुछ लोग है या ग्रुप ऑफ पीपल है या इवन ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके ऊपर वॉच रख रही है या उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो है उसको तो लग ये भी लग सकता है कि जो वो लोग है वो कंस्पायर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट या उस व्यक्ति के अगेंस्ट। पैरानोइया जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है एक सिम्टम माना जाता है डिफरेंट कंडीशंस का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जहाँ पे कंडीशन पर्सनालिटी का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें हम लोग पैरानोइड पर्सनालिटी कहते हैं उसमें ये हो सकता है। फिर पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसमें भी जो है व्यक्ति को ऐसे लग सकता है कि बाकी लोग जो है वो कंस्पायर कर रहे हैं या वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ परसिक्यूशन है। या फिर एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग डिल्यूजनल डिसऑर्डर नाम से जानते हैं, उसमें भी ऐसे उस व्यक्ति को लग सकता है। तो ये जो पैरानोइया जो है ये डिफरेंट कंडीशन का एक सिम्टम हो सकता है। साथ में ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इन कंडीशंस के अलावा भी कभी कभी जो सब्सटेंस यूज है या जो नशे के पदार्थ है उसके कंजम्पशन की वजह से भी ये टेम्परेरीली हो सकता है। और साथ में कुछ कुछ ब्रेन की या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो है उसमें भी पैरानोइया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंडीशंस या ऑर्गेनिक ब्रेन कंडीशंस में भी पैरानोइया का सिम्टम हो सकता है। जो पैरानोइया जिसको हो रहा होता है देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो बाकी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता है या वो भरोसा नहीं करता है, वो हाइपर विजिलेंट होता है या वो हमेशा अलर्ट रखता है या अलर्ट रहता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो सकते हैं। और इन जनरल हम लोग देखते हैं कि जिनको पैरानोइया है उनको रिलेशनशिप मेंटेन करने में मुश्किल हो सकती है। साथ में कभी कभी वो आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं और एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और उनको ये लगता है कि जो बाकी लोग जो एक्शंस कर रहे हैं या उनका जो जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको लगता है वो उनके बारे में हैं और उन्हीं से कनेक्टेड है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि पैरानोइया जो है उसमें हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो है एक सिम्टम है और ये विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर्स है उसमें ये पैरानोइया का जो सिम्टम है वो हो सकता है। जहाँ तक पैरानोइया के कॉजेस की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि ये यूजुअली जेनेटिक्स या फैमिली में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो पैरानोइया कर होने का रिस्क बढ़ सकता है। और जो है कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पास में अगर किसी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुए हैं या ज़्यादा ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट अगर हुए हैं तो ये कंडीशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट रीजंस की वजह से पैरानोइया हो सकता है। साथ में ब्रेन कंडीशंस भी हो सकती है जिसमें पैरानोइया हो सकता है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि वो कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर वॉच रख रही है, उसको फॉलो कर रही है या उसके अगेंस्ट कंस्पायर कर रही है, जो व्यक्ति है वो किसी के साथ किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, उसको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ में जो है उसको ये लग रहा है कि सभी लोग जो है उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो आप जो है हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तुलसी हेल्थ केयर में हम लोग जो है इन चीज़ों का पैरानोइया के जो डिफरेंट रीजंस है या जिसकी वजह से जो जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स है उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप हम तक पहुँच सकते हैं।